जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश कर रही है, तो वहीं प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और धांधली लगातार जारी है। ताजा मामला मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित नामचीन स्कूलों में शुमार दिल्ली पब्लिक स्कूल का है, जहां आज अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही स्कूल प्रशासन मुरादाबाद के नारे भी लगाए। इस बीच स्कूल परिसर के बाहर देर तक अभिभावक स्कूल मैनेजमेंट से मिलने का इंतजार करते रहे, जबकि प्रिंसिपल व स्टाफ के बीच अभिभावकों की तीखी नोकझोंक भी दिखाई दी। दरअसल अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में काफ़ी समय से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है। लगातार कई बार स्कूल प्रबंधन से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ। उनका कहना है कि स्कूल में ट्रांसपोर्टेशन न होने की वजह से उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी दूर से अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आ रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने भी मैनेजमेंट से बात करने और कोई संतुष्ट जवाब न देने का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ लिया है। अभिभावकों की मांग है कि जब तक स्कूल ट्रांसपोर्टेशन शुरू न कर दें, तब तक स्कूल को बंद कर देना चाहिए। फिलहाल एक घंटे तक अभिभावकों व स्कूल स्टाफ के साथ चली गहमा गहमी का कोई परिणाम नहीं निकला। इसके बाद अभिभावकों ने चेतावनी दी कि अगर स्कूल प्रशासन ने ट्रांसपोर्टेशन को शुरू नहीं किया तो उसकी लिखित शिकायत अब प्रशासन से की जाएगी। तो वहीं अभिभावकों का कहना है कि कल फिर दोबारा बड़ी तादाद में अभिभावक इकट्ठा होकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर मीडिया कर्मियों ने डीपीएस के प्रिंसिपल से बातचीत करनी चाहिए, तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने कई बार ट्रांसपोर्टेशन की समस्या को लेकर लिखित शिकायत स्कूल मैनेजमेंट से की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित रस्तोगी। क्या हुआ, क्यों आए हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल? हम यहाँ पर आए हैं अपने बच्चों को ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के लिए। यहाँ पर हम बात करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो मैम बोलती हैं कि हमने बोल रखा है कि पिछले 15-20 दिन से यही चल रहा है कंटिन्यू, और पिछले पूरे एक साल इन्होंने इसी चीज़ में निकाल दिया। अभी भी इन्होंने सिर्फ एक डीपीएस स्कूल ऐसा बचाया जिसमें ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। बाकी शहर का छोटे से छोटे स्कूल में, हर स्कूल में ट्रांसपोर्ट है, सिर्फ इनके पास आज ट्रांसपोर्ट के नाम पर जवाब भी नहीं है देने के लिए। गाड़ी तो ये बाद में देंगे, ट्रांसपोर्ट बाद में देंगे, इनके पास जवाब तक नहीं है देने के लिए। आज हमारी मुलाकात प्रिंसिपल साहब से डायरेक्ट हुई है, और हम सब लोग सुबह 8 बजे से यहाँ पर इकट्ठा हुए हुए हैं। सब अपना परिवार काम धंधा छोड़ करके यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी इनके पास कोई संतुष्टजनक जवाब हमारे पास देने के लिए नहीं है। इनके पास डेट पर डेट डाल रहे हैं, कोई इनके पास वेरिफिकेशन नहीं है। कहते हैं कि मैनेजमेंट हमारी नहीं सुन रहा है। जब मैनेजमेंट ही नहीं सुन रहा है, तो फिर हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? ये किस बेस पर हमारे बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं? ये जब इनके पास ही जवाब नहीं है, तो हमें आगे क्या इनसे संतुष्टि मिलेगी? हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चों को, यानी कि जब तक के लिए, और ज्यादा हम इनको बोलते हैं तो कहते हैं अपने बच्चे की टीसी कटा करके घर पर बैठा लीजिएगा। आप अपना अपन देख लीजिए, नहीं ये बच्चे की कोई गारंटी नहीं। बच्चे का एडमिशन कहां होगा? और बल्कि अभी 2 दिन पहले मैं बच्चे को लेकर के आ रहा था, तो रास्ते में एक्सीडेंट भी होने से बचा। बच्चे धूप में, कड़ी धूप में, बाइक बाइक पे बैठ करके जाते हैं, वो रास्ते में उन्हें बेटा मेरे को, मेरा बेटा बाइक पे बैठे बैठे सो गया था। के लिए आए पिछले काफ़ी दिन से प्रयासरत हैं, अपना काम छोड़ छोड़ के बच्चों को लेना छोड़ना पड़ रहा है। कई बार सोचते हैं कि सुबह को छोड़ दें, दोपहर को खुद आ जाएं, लेकिन जो पूरा माहौल चल रहा है बच्चों की सिक्योरिटी की वजह से काम छोड़ के दोपहर को भी आना पड़ता है। बस यही काम रह गया है, घर में कोई प्रॉब्लम है बस बच्चों को देखना है। अभी वाइफ का ऑपरेशन हुआ, ट्रांसपोर्ट नहीं है, बच्चे नहीं आ पाए, उसके लिए भी फिर रिमाइंडर आते हैं, बच्चे क्यों नहीं भेज पा रहे, क्यों नहीं भेज पा रहे, कहाँ से भेजें, घर को देखें, बच्चों को देखें, कहीं से तो फैसिलिटी के पैसे भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, सब स्कूलों में मिल रही है, यहाँ पर क्यों नहीं मिल रही, समझ में नहीं आ रहा। जी सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जी आप कहाँ पर हैं इस टाइम? नहीं, कहाँ पर हैं इस टाइम? दिल्ली पब्लिक। अच्छा, क्या रीज़न है, क्या वजह? रीज़न सर ट्रांसपोर्ट का है, क्योंकि हम लोगों की एक साथ से परेशान करते चले जा रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट देंगे, लेकिन डेट पर डेट देते चले जा रहे हैं, और हम लोगों को इतना बड़ा रिस्क है कि बच्चों को, यानी कि कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, कोई भी बच्चे के साथ कोई भी घटना घट सकती है। लेकिन क्या अब प्रिंसिपल सर से कहते हैं तो मैनेजमेंट के ऊपर टाल देते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं तो इन्होंने प्रिंसिपल ने ये बोल दिया कि मैनेजमेंट ने हमसे ये कह दिया कि आप विदाउट ट्रांसपोर्ट स्कूल खोल दो। लेकिन हम इस बात के लिए एग्री नहीं है, क्योंकि हम लोगों का काम यही नहीं है, एक शहर का माना हुआ स्कूल होते हुए डीपीएस, लेकिन हम लोगों के लिए ये इतनी बड़ी, यानी कि फीस भरपूर ले रहे हैं, उसको फैसिलिटी बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें डेट पर डेट देते चले जा रहे हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम है, सारे स्टूडेंट्स के साथ हैं? सभी के साथ। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं?
हम सर ये चाहते हैं कि जब तक के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं देंगे जब तक के लिए हम स्कूल बंद कर दें, स्कूल बंद कर दें, स्कूल तब तक के लिए बंद कर दें, जब ट्रांसपोर्ट हमें देंगे तभी हम बच्चों को स्कूल मैनेजमेंट से आपकी बात हुई? मैनेजमेंट को बुलाना नहीं चाह रहे, आना नहीं चाह रहा मैनेजमेंट हमारे सामने। अच्छा, अभी आपकी किन से बात हुई थी? प्रिंसिपल सर से बात हुई। अच्छा, क्या कहा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ने ये कह दिया कि मैं मैनेजमेंट को फोन कर रहा हूँ, मैनेजमेंट नहीं आ रही है, जवाब नहीं दे रही कोई।